नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप ग्रो ऐप से म्यूचुअल फंड में SIP कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें, आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ग्रो ऐप में अकाउंट बना लेंगे। मेरा अकाउंट बना हुआ है, आप पहले ग्रो ऐप में अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद ग्रो ऐप को ओपन करेंगे तो इधर देखेंगे आप म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप टॉप कंपनी, ये टॉप कंपनी में जाके आप टॉप कंपनी सर्च कर सकते हैं। तो उसमें आप बेस्ट जो कंपनी है वो कंपनियों के बारे में बताएगा कौन कौन सी कंपनी है, और हाई रिटर्न वाली कंपनी अगर आप हाई रिटर्न चाहते हैं तो वो आप जिस कंपनियों ने हाई रिटर्न दिया है, पहले हाई रिटर्न दे रखा है, वो हाई रिटर्न वाली कंपनी आप देख लेंगे। अगर आपको किसी कंपनी का नाम पता है, आप उस कंपनी को सर्च करना चाहते हैं, तो ऊपर ये सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है। जो सर्च बॉक्स में जाके इधर आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड का नाम डाल दीजिए, वो म्यूचुअल फंड सर्च हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि दोस्तों, आप इधर ऊपर देखेंगे ऑल म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहा है, तो ये ऑल म्यूचुअल फंड में जाके आप देख सकते हैं सारे म्यूचुअल फंड की डिटेल इधर आ जाएगी, कौन से म्यूचुअल फंड हैं, कौन कौन से नाम हैं। तो उसमें आप देख लीजिए किस म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। तो इधर मैं एक म्यूचुअल फंड ले लेता हूँ, मैं उसको क्लिक करता हूँ। तो इधर आप इसकी सारी डिटेल देख सकते हैं, इसने अभी तक कैसा रिटर्न दिया है, 1 मंथ का रिटर्न, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, ऑल टाइम का इसका रिटर्न देख सकते हैं। इसने ऑल टाइम में 23.49% रिटर्न दिया है। इसकी रेटिंग देख लें, 5 स्टार इस म्यूचुअल फंड की रेटिंग है, जो कि बहुत ही अच्छी है। बाकी इधर नीचे जाएंगे, इस म्यूचुअल फंड की जो भी डिटेल है सारी आप देख सकते हैं। आप इधर होल्डिंग देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने किन कंपनियों में पैसा लगा रखा है। तो दोस्तों इधर देखिए, इन्फोसिस में ये सारी कंपनियां जिसमें जितना परसेंट पैसा लगा रखा है, जिससे ये रिटर्न दे रहा है, अच्छा रिटर्न दे रहा है, उससे आपका भी पैसा जो आप म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो वो भी इन्हीं कंपनियों में वो पैसा लगाया जाएगा। तो जिससे आप देख सकते हैं किस तरीके की रिटर्न देगी। तो दोस्तों, आपने इधर आपने रिटर्न देख ली, इधर आपने रेटिंग देख ली। अब आप म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे तो वन टाइम पे आप क्लिक करेंगे तो इधर आप एक बार फिक्स अमाउंट, जितना अमाउंट आप एक बार डाल सकते हैं, वन टाइम कर रहे हैं तो आप एक बार में जितना अमाउंट आप 10,000, 50,000, 20,000 करना चाहते हैं, लेकिन आप SIP करना चाह रहे तो आप SIP पे क्लिक करेंगे और इधर आप SIP कर सकते। SIP दोस्तों आप 100 रुपये से 500 रुपये, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000, जितना आप SIP आप करना चाहें, जितना पैसा आप हर मंथ म्यूचुअल फंड में लगाना चाहें उतना लगा सकते। मैं इधर 1,000 रुपये कर दिया हूँ और इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, जिस डेट में आप म्यूचुअल फंड खोल रहे हैं तो जो अमाउंट आपने 1,000 रुपये दिया वो उसी डेट में कट जाएगा, बाकी अमाउंट उस डेट से एक मंथ बाद, एक महीने पहले नहीं कटा सकते, एक मंथ बाद आप जो भी डेट सिलेक्ट करेंगे तो आपका पैसा उसी डेट में आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। मैं इधर 8 तारीख सिलेक्ट कर देता हूँ, तो मैं इधर 8 तारीख सिलेक्ट कर लिया हूँ। 8 तारीख सिलेक्ट करने के बाद इधर आप देखें कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, ये आप कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में ये इन्वेस्ट नाउ, इन्वेस्ट नाउ पे दिखाई दे रहा है, इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे अगला पेज खुल के आ जाएगा। तो इधर आप कौन सी UPI ID से पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से या फोन पे या भीम, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें तो वो आप क्लिक कर देंगे। मैं इधर फ़ोनपे से पेमेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैं इधर फ़ोनपे पे क्लिक करूँगा। फ़ोनपे पे मैं इधर क्लिक कर दूँगा, क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इधर प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद आप इधर सेंड पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका 1,000 रुपये म्यूचुअल फंड में सेंड हो जाएगा। आपका ये म्यूचुअल फंड खुल चुका है, ये देखो मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है, आपको म्यूचुअल फंड की यूनिट 2-4 दिन में मिल जाए। अब इधर दिख रहा है ऑटो पे, अगर आप ऑटो पे नहीं करेंगे तो आपने जो डेट फिक्स कर रखी है उस डेट पे ऑटोमेटिक पैसा आपका बैंक से नहीं कटेगा, इसलिए आप ऑटो पे क्लिक करेंगे। अगला पेज खुलेगा जिसमें आपकी बैंक की सारी डिटेल दी हुई होगी और किस म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कटना है वो डिटेल दी हुई।
तो इधर आप पूरी डिटेल चेक कर लेंगे, आपका बैंक अकाउंट नंबर, कौन से म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कटना है, सारी डिटेल चेक करने के बाद बॉक्स पे क्लिक करेंगे और कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलेगा, इसमें आप अपना एटीएम नंबर, मंथ, ईयर, कार्ड होल्डर नेम और पिन नंबर, ये सारी डिटेल डालने के बाद प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। सारी डिटेल डालने के बाद आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये कन्फर्म हो जाएगा कि आपका हर मंथ ये पैसा कटने लगेगा। तो दोस्तों इधर आप अपना चेक कर सकते हैं, आपका म्यूचुअल फंड ये ओपन हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं यूनिट आपको 5-6 दिन में अलॉट हो जाएंगी। आपका जो आपने डेट फिक्स कर रखी है ऑटोमेटिक उसी डेट पर पैसा आपका हर महीने बैंक अकाउंट से कटता रहेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।